गुड आफ्टरनून दोस्तों, आपको सबको देखकर यहाँ पे बहुत खुशी महसूस हो रही है. सॉरी मैं थोड़ी सी बीमार हूँ. ग्रीन गणेशा एक ऐसा इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है जो आपने खुद कहा कितने 12 साल हो गए, 12 साल हो गए, लेकिन आज भी हम इस से जूझ रहे हैं क्योंकि हर साल गणेशोत्सव के बाद जब हम बीच क्लीन अप करने जाते हैं तो अभी भी हमें बहुत सारे ऐसे गणपति जी मिलते हैं जो प्लास्टर ऑफ पैरिस के बने होते हैं. उनके उनके पूजा में जो डेकोरेशंस यूज़ किए जाते हैं वो सब प्लास्टिक के बने होते हैं और वो हमारे समुद्र में जाते हैं और वापस आ जाते हैं हमारे पास. और बड़ा दुख होता है ये देख के कि जिनको हम पूजते हैं, जिनके जिनमें हम इतना विश्वास रखते हैं, जिन्हें हम मानते हैं द रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, हमने उनको इतना बड़ा ऑब्स्टिकल बना दिया है पर्यावरण के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए. मेरा मानना ये है कि गणपति जी कभी नहीं चाहते, कभी भी नहीं चाहते कि वो पर्यावरण को हानि पहुंचाए, क्योंकि वो वहीं से आए हैं. उनकी सुरक्षा करना और पर्यावरण की सुरक्षा करना एक ही चीज़ होगी. तो लेकिन अच्छी बात ये है और सबसे खुशी की बात ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब समझ गए हैं कि ग्रीन गणेशा घर पर लाना कितना ज़रूरी है. और गोइंग बैक टू द बेसिक्स, जो हमारा हमारी प्रथा है, जो हमारी संस्कृति है, जहाँ पे हम हर त्यौहार को एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे में मनाते हुए आ रहे हैं हजारों सालों से, वो प्रथा वापस जोर शोर से आगे बढ़े और हम सब वहीं जाए वापस जहाँ से हम आ रहे हैं. तो इस साल आपके एम्बेसडर बनकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि आप जानती हैं कि कितना मैं पर्यावरण से जुड़ी हुई हूँ. और मेरा दिल खुश होता है जब एक रेडियो स्टेशन अपने लिसनर्स के साथ जुड़कर एक आंदोलन की शुरुआत करता है और उसे यहाँ तक लेकर आता है. ये बहुत अच्छी बात है. अरे अरे बहुत बढ़िया. गणपति बप्पा. ये देखो पहले तो इन्हें घर ले जाते हुए, उन्नत जी घर ले जाते हुए खुशी हो रही? बहुत खुशी हो रही. I am very grateful to Big FM for conducting this very important campaign for the last 12 years, for influencing people's behavior, changing people's behavior, encouraging them to do better. जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में कहा था कि as someone who loves and worships the environment and nature, I can't imagine a better way to celebrate Ganeshotsav by celebrating Green Ganesha. पिछले 7-8-9 सालों से मैं खुद इस मुहिम से जुड़ी हुई हूँ जहाँ पर हम हर साल बीच क्लीनअप के लिए जाते हैं, लोगों तक ये जानकारी पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पैरिस की गणपति जी बनते हैं वो प्लास्टिक्स की बनते हैं और वो बहुत पर्यावरण को नष्ट करता है. लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी बेइज्जती होती है, क्योंकि उनको हम तो समुंदर में बहा देते हैं लेकिन जब वो वापस आते हैं, क्योंकि मिट्टी के नहीं बने होते, पानी में नहीं घुल पाते, तो तब वहाँ से जो उनको बुलडोज़र से सफाई होती है उनकी, उनका कहीं हाथ लगा है, कहीं सर लगा है, बहुत बहुत दिल टूटता है ये देखकर. तो खुशी की बात ये है कि हर साल जो संख्या लोगों की है जो घर ग्रीन गणपति लेकर आ रहे हैं वो बढ़ती जा रही है. तो हम बेसिकली हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसकी तरफ वापस जा रहे हैं. और जो समझ और जानकारी है इस बात की कि प्लास्टर ऑफ पैरिस प्लास्टिक से बना हुआ है, वो पर्यावरण के लिए बुरा है और एक तरह से अपमान है उन देवता का जिन्हें हम पूजते हैं. आई फील आई ऑलवेज वंडर अबाउट दिस ना रानी. मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि क्यों लोग अभी भी प्लास्टर ऑफ पैरिस के गणपति जी घर लेकर आते हैं या
वही छोड़िए, आप जब डेकोरेशंस की बात करते हैं उसमें भी बहुत प्लास्टिक का उपयोग होता है, थर्मोकोल प्लास्टिक जो पर्यावरण में 400-500 साल तक रह जाता है और सबको नष्ट करता है, जो पेंट यूज़ होता है, लेड, बहुत बुरे केमिकल्स होते हैं उसमें, वही हमारे मच्छी के पेट में जाता है, वही हमारे पेट में आता है। ये भी, ये जानते हुए भी लोग क्यों अभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ले आ रहे हैं? आई थिंक ज़्यादातर जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ देखते हैं, मेरी समझ के हिसाब से, वो उन्हीं लोगों का होता है जो स्पॉन्सर्ड होते हैं। क्योंकि जितने भी सामाजिक गणेशोत्सव होते हैं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं या बिल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादातर तो वही देखा गया है। तो जब तक लोग उन्हें नहीं बोलेंगे कि यू कैन डू बेटर, दे आर नॉट गोइंग टू डू बेटर। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उन लोगों से बोले कि इस बार जब स्थापना होगी तो आप इको फ्रेंडली गणपति जी ही लगाएंगे, बड़े से मतलब नहीं होता, क्योंकि आई थिंक वो बड़ा मूर्ति बनाने के चक्कर में इट गोज इन टू अननेचुरल मटीरियल्स। हमारे घर, हमारे सोसाइटी, हमारे मोहल्ले में छोटे गणपति जी भी आएंगे तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो धरती से बने होंगे और वो धरती से मिल जाएंगे। कोई गणेश चतुर्थी की बात करें तो कोई एक मेमोरी जो आपको अभी भी ताज़ा हो? मेरे बहुत मेमोरीज हैं। एनीवन मेमोरी लाइक टू शेयर? जो तो मैं हैदराबाद में पली बड़ी, तो हमारे जो मामी जी का घर था उनके मोहल्ले में बहुत धूमधाम से गणेश जी की स्थापना होती थी, और मतलब पूरे कितने नौ दिनों तक उनको रखते थे, और हर शाम बहुत मतलब लोग आते थे दर्शन करने के लिए। तो हम बैठ के जो भी मीठा प्रसाद बनता था वो हम बनाते थे। तो एक छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं आटे की, हाँ, जिसको शक्कर में तलते हैं, यू नो व्हाट दैट इज, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, वो हम लोग बैठ के ऐसे हाथ से बनाते थे। उसकी मेमोरीज बहुत है, और हंसते खेलते धूम मचाते हुए घर के सारे लोग मिलकर ये बनाते थे, पूरा प्रसाद और मोदक और हर चीज़, बड़ा मज़ा आता था। टॉकिंग अबाउट द एसोसिएशन विद दिया, ये परफेक्ट एसोसिएशन है, क्योंकि मैं पर्सनली दिया को जितने सालों से जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि पर्यावरण की कितनी चिंता है। इन्हें तो नाइटमेयर्स भी आते होंगे मेरे ख्याल से, कि बारिश नहीं हो रही, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, यू नो, ये रोते हैं, एंड मैंने रोते हुए देखा है इन्हें। तो जब कोई पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे दिल के साथ किसी चीज़ से जुड़ता है तो वो मैसेज दूर दूर तक जाता है, और शायद यही मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार थैंक यू सो मच दिया, क्योंकि आपकी प्योरिटी इस कैंपेन के साथ जुड़ी है। तो यस, ये प्योर मैसेज इको फ्रेंडली गणपति और गणेश उत्सव का ज़रूर लोगों तक जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू। नमस्ते, मैं हूँ दिया, और सारे दर्शकों को मेरी ओर से गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार घर पर सिर्फ ग्रीन गणेशा ले आइए। क्या बात है, गणपति बप्पा मोरिया। दिया, दिस इज फॉर यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.